वो जो गोलू सा बच्चा है जो अभिनव, हम मैं विद्यालय जाता, वो नहीं जाता यार, मुझे लगता है कोई विद्यालय उद्यालय जाता है। तो आप लोग अभिनव अरोरा को जानते ही होंगे, जिसके बारे में बहुत सी बातें करी जा रही है। लोग अभिनव अरोरा को ढोंगी बोल रहे हैं और कई यूट्यूबर्स ने अभिनव अरोरा पर वीडियो बनाकर उसे एक्सपोज भी किया है। तो अब इस पर एलविश यादव ने भी अभिनव अरोरा को लेकर एक बात कही है। तो अभिनव अरोरा को लेकर वो क्या बोलते हैं? पता क्या है, मतलब जितना मैंने नोटिस करा, मेरी राय ये है कि हर चीज की एक उम्र होती है, यू नो क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब इट्स वेरी गुड ही इज सपोर्टिंग हिज रिलीजन, बट दिस इज नॉट द राइट एज ये सब करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कर रहा है। नो डाउट ही इज सपोर्टिंग आवर रिलीजन, ही इज शोइंग आवर रिलीजन इन अ गुड वे, और गौ माता की सेवा करनी हो गई या फिर जो भी रील्स मैंने देखी, ठीक है, इट्स गुड, बट उसको अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो ये सब कर सकता है, मतलब अपने घर में जोत बाल सकता है, घर में पूजा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सब रिलीजियस होते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है हमारे आगे कि ही गॉट सम पावर्स, ही गॉट सम कनेक्शन विद द गॉड, ही इज वेरी रिलीजियस, जो कि मुझे लगता नहीं कि असलियत में वो उतना होगा, और अगर हो भी तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको इस टाइम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने करियर सेट करने पे, और रिलीजियस भी हो सकता है साइड बाय साइड, बट नॉट इतना कि पूरी जिंदगी अपनी उसी में डाल दी, क्योंकि इतना छोटे बच्चे की लाइफ आप उससे छीन रहे हो, उसका बचपन है, उसका स्कूल लाइफ है, उसकी आगे चढ़ के कॉलेज लाइफ है, तो वो चीजें उससे छीनी जा रही है। देखो मेरा ओपिनियन है, उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब करे, उसको मेरे हिसाब से उसके फादर बता रहे हैं, मदर बता रही है, तो मेरा ओपिनियन ये है, और उसकी सलाह भी है उसके माँ बाप को कि भाई अभी यार वो बच्चा है, उसकी एज है, को मेरे हिसाब से ये स्टेप लेना चाहिए कि उससे ये सब ना करवाएं, और जो उसकी एज के लिए जो चीज़ सही है वो चीज़ उससे कराएं।